देवास जिले के बागली में महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर बागली विकास खंड के करनावद में स्थित पांडव काल के कर्णेश्वर महादेव मंदिर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर भगवान कर्णेश्वर के दर्शन किए। सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पर पहुंचने लगे थे। महिलाओं द्वारा भगवान कर्णेश्वर को बेलपत्र चढ़ाकर जलाभिषेक किया गया। वहीं नगर करनावद में 5 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। साथ ही महायज्ञ एवं शिव पुराण का आयोजन कर्णेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। भगवान कर्णेश्वर के दर्शन के लिए मुख्य द्वार से शिवलिंग तक श्रद्धालु लाइन में खड़े होकर अपना नंबर का इंतजार कर रहे थे। वहीं पुलिस प्रशासन की व्यवस्था भी चौकन्ना रही। श्रद्धालुओं के अनुसार भगवान कर्णेश्वर के समक्ष मनोकामना करने पर वह पूर्ण भी होती है। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। राजा कर्ण की नगरी मिला। हमारे पूर्वज लोग कहते थे कि यहाँ जो कर्णेश्वर महादेव बसे हुए हैं उनका मंदिर की दिशा पूर्व की ओर थी, और राजा कर्ण की बाहुओं में और पार्वती जी को पूजन करने में कोई दिक्कत वगैरह अड़चन आ रही थी, इसलिए उन्होंने दिशा परिवर्तन करके पश्चिम दिशा में कर दिया था। यहाँ पे हमेशा श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। सावन सोमवार को भी झांकियाँ निकाली जाती है प्रतिवर्ष, वो मन्नतें भी पूरी होती है और फिर मन्नतें उतारी जाती है कर्णेश्वर महादेव के मंदिर में। जो सातिये का भी महत्व है कि जो सातिये उल्टा किया जाता है और जैसे औलाद होने के बाद उस सातिये को सीधा भी किया जाता है। ये जो मंदिर है कर्णेश्वर महादेव, ये राजा कर्ण के ईश्वर है कर्णेश्वर। राजा कर्ण इनकी सेवा किया करते थे इसलिए इसका नाम कर्णेश्वर पड़ा। और कर्णेश्वर महादेव की क्या बताएं आपको, यहाँ पे बहुत दूर दूर से जनता आती है और अनेकों मुरादें उनकी जो होती है यहाँ पे पूरी होती है और सारी मुरादें उनकी पूरी होती है। क्योंकि राजा कर्ण जो थे वो दानवीर राजा कर्ण हुआ करते थे, वो हमेशा दान में दिया करते थे। इसलिए यहाँ पर जो भी आता है, जो भी बाबा कर्णेश्वर से मन्नत मांगता है उसकी सारी मन्नत पूरी होती है। और बाबा कर्णेश्वर जो है राजा कर्ण की ऐसी कृपा रही है कि इस नगरी के अंदर प्रतिवर्ष, अभी इस वर्ष 26वां यज्ञ हम करने जा रहे हैं, इसमें हमारे शिव महापुराण चल रही है, यज्ञ हो रहा है। सुबह के सत्र में यज्ञ होता है, दोपहर के सत्र में शिव महापुराण होती है, शाम के सत्र में फिर यज्ञ होता है, रात्रिकालीन अलग कार्यक्रम होता है। और यहाँ पर अन्य बाहर दूर दूर से लोग आते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।